इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सक मी शेक्सपियर मूवी के बारे में। ये जर्मन की मूवी है। हाँ, जर्मन में इसका नाम अलग है, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो इस मूवी का नाम बनता है सक मी शेक्सपियर। तो जल्दी से इसकी कहानी पर आ जाते हैं। एक आदमी है जैकी मिलर। आई डोंट नो मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन सही की है या नहीं की है, लेकिन मिलर जो इसका लास्ट नेम है वो एकदम करेक्ट है। 13 महीने की जेल काटने के बाद ये बाहर आया है। इसके जेल जाने का रीजन था कि इसने एक चोरी की थी। हाँ, चोरी करने के बाद जो इसने पैसा लिया था वो उस पैसे को छुपाने के लिए अपनी एक महिला मित्र को उसने कहा था कि कहीं जाकर ये पैसा छुपा दे, और वो इतनी ज़्यादा डंब है कि उसने वो पैसा एक कंस्ट्रक्शन साइट में जाके छुपा दिया। अब 13 महीने बाद वहाँ पर स्कूल का जिम बन चुका है। अब मिलर जो है वो ये पैसा पाना चाहता है जैसे तैसे, और इसलिए वो स्कूल में जाके एक टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और उसे जॉब भी मिल जाती है। मिलर जो इतना बिगड़ा हुआ इंसान है, जो 13 महीने के लिए जेल में जा चुका है और इवन ड्रग से भी रिलेटेड वो काम करता है, और उस जैसे इंसान को स्कूल में एक टीचर की जॉब मिलती है, और ऐसे स्कूल जिसमें ऐसे बच्चे भरे हुए हैं जो इतने ज्यादा कमीने हैं कि आप और मैं अपने स्कूल टाइम में थे, या हमने अपने स्कूल टाइम में जिन बच्चे बिगड़े हुए बच्चों को देखा था उनके 1000 गुना ज्यादा ये बिगड़े हुए बच्चे हैं। इस मूवी का जोनर कॉमेडी है, तो डोंट वरी, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं होने वाला है। अब बिगड़े हुए बच्चे जो अपनी लाइफ में क्रिमिनल बनना चाहते हैं, जो ड्रग डीलर बनना चाहते हैं, उनका सामना होता हुआ जो ऑलरेडी 13 महीने के लिए जेल काट के आ चुका है, और ये मिलर को इतना परेशान करते हैं कि मिलर को अपनी नानी याद आ जाती है। हाँ, मिलर इनसे अपना बदला लेता है, लेकिन ये नहीं कि बच्चे पूरी मूवी के अंदर सुधर जाते हैं, ये रहते कमीने के कमीने। और ये वाला पॉइंट मुझे इस मूवी में सबसे ज्यादा पसंद आया। इस मूवी में कुछ इमोशनल कर देने वाले सीन भी हैं, और कॉमेडी की बात करें तो इसमें हर सीन के ऊपर आप लोगों को हंसी आने वाली है। इवन इन लोगों की शक्ल देख के आप लोगों को हंसी आ जाएगी। बेशक मिलर को उसके रुपए मिल जाते हैं, उसको एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, वो सुधरने की भी कोशिश करता है, टीचर भी अच्छा बनने की कोशिश करता है, ये सब लास्ट में होता है। अब ये मत सोचना कि कोई मैंने स्पॉइलर दे दिया, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ ये कॉमेडी मूवी है। आपको इस मूवी का मजा तब आएगा जब आप इस मूवी को देख रहे होंगे और इसके हर एक पंच लाइन पे आप हंस रहे होंगे। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हर एक इंसान ने अपना 100% दिया, पूरी ईमानदारी से अपना करेक्टर निभाया है। अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, अपने काम से परेशान हो चुके हैं, और अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हो और हंसी से लोटपोट होना चाहते हो, तो इस मूवी को मिस मत करना। हाँ, मूवी देखकर आप लोगों को आपके स्कूल टाइम की डेफिनेटली कुछ एक चीजें याद आने वाली है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10 star। अगर किसी ने देख कर छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता कोई रिप्लाई करने वाला है। अगर नहीं देखी है तो भाई प्लीज इस मूवी को जाकर देखो, बहुत ज्यादा एक कॉमेडी वाली मूवी है। आप लोगों को देखकर कोई रिग्रेट महसूस नहीं होने वाला, आप इसे एंजॉय ही करोगे। और हाँ, एक जर्मनी की मूवी है, एक अलग टाइप की परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, और बहुत ज्यादा ब्राइट मूवी है। और हाँ, एक और चीज, बच्चों के साथ ये मूवी बिल्कुल नहीं देखना। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ एडल्ट सीन है, लेकिन कुछ वाक्य और कुछ एक ऐसी लाइनें हैं कि आप वो बच्चों के साथ ना ही देखो तो अच्छा है। हाँ, एक और चीज़, इसके अंदर डबिंग की बात करनी तो रहेगी। अब मैं इसकी डबिंग की बात करूँ, हिंदी में इसे डब आपको मिलेगा, लेकिन वो डबिंग इतनी ज़्यादा बकवास लगी मुझे कि मुझे लगा कि यार इसको मैं जर्मन में ही देख लेता हूँ, और नीचे जो सबटाइटल आ रहे थे उसी से मैं काम चला लेता हूँ। और इसकी डबिंग खराब है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही इंडियन मूवीज़ के नाम, इंडियन मूवीज़ के गाने और वही घिसी पिटी एक तरीके से डबिंग की गई है, जिसे सुनकर यार इरिटेशन ही होता है। तो मेरी सलाह तो यही है कि इसे अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें, नीचे सबटाइटल आप लोगों को मिल जाएंगे। और फिर भी किसी को ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं देखना, सबटाइटल्स नहीं पढ़ने, तो आप लोगों के लिए तो हिंदी में अवेलेबल है, उसे ही काम चला लो। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।